एक बड़े हमले का हिस्सा है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से पिछले दो हफ्ते में ही, चाहे वो जामिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे पुलिस ने घुस के और एबीवीपी के गुंडों ने बर्बरता से एक हमला किया। जेएनयू भी उसी एक कड़ी का हिस्सा है, पर जेएनयू का जो संघर्ष है वो एक थोड़ा उसका एक परिपेक्ष देना एक जरूरी होता है। पिछले अभी 70 दिन होने को आ रहे हैं कि जेएनयू फी आई के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है। आपको भली भांति पता है कि हमारा फी बढ़ाया गया, एक निजीकरण करने की कोशिश किया गया, और हम उस फी हाइक के खिलाफ, उस हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ जो है यहाँ पे अनडेमोक्रेटिकली यूनिलैटरली पास किया गया, उसके खिलाफ पिछले 70 दिन से हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पे वाइस चांसलर ने एक बार भी हमसे बात करने का कोशिश नहीं किया, जबकि दो दो हाईकोर्ट के ऑर्डर है कि जो उनको डायरेक्ट करते हैं पर्सनली कि वाइस चांसलर शुड रिजॉल्व द क्राइसिस थ्रू डायलॉग विद द स्टूडेंट्स। हमसे अब तक के बात करने का कोई कोशिश वाइस चांसलर की तरफ से नहीं किया गया है। और अब जब ये सिचुएशन बना है तो जब MHRD इसमें इंटरवीन करके एक कोशिश किया है बार बार कि इसको रिजॉल्व करे, तो इस रिजोल्यूशन को रोका गया है। कौन रोक रहा है उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही इंसान कल के अटैक का भी मास्टरमाइंड था। ये रोकने का कोशिश सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का है, इसमें कोई शक और संदेह का बात अब हमारे सामने नहीं रहा है। कल मीडिया में एक रिपोर्ट आया कि जेएनयू का वाइस चांसलर जो है वो ऑटोनॉमसली फंक्शन नहीं करता है, उसको अमित शाह से सीधा ऑर्डर मिलता है और वो उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे MHRD ने जब पहले बार एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उसका एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया उसके ऑर्डर पे। वो रिपोर्ट लीक होकर हमारे सामने आया है मीडिया के थ्रू, उसमें हमारे सारे डिमांड्स को मान लिया गया है, फिर भी उसको दबाया गया जानबूझ के ताकि हमारे डिमांड पूरे नहीं हो, जेएनयू में जो क्राइसिस है, जेएनयू में जो हमारी मांगे हैं वो पूरी ना हो और यहाँ पे शांति और नॉर्मलसी नहीं बने रहे। दूसरे बार जब रिजॉल्व होने वाला था, जब MHRD के साथ हमारा डायलॉग चल रहा, दो दिन लगातार डायलॉग हुआ, MHRD सेक्रेटरी को अमित शाह रिमूव कर देते हैं, R.Subramanian को ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद से कोई मीनिंगफुल डायलॉग MHRD हमसे इनिशिएट करने का अब तक की कोशिश नहीं किया है। ABVP के गुंडे और ये साइकिल ऑफ सिक्योरिटी सब मिलके एक ये प्लान बनाए, एक प्री मेडिएटेड ऑर्गेनाइज्ड अटैक JNU पे कल किया गया। और जैसे कॉमरेड रोशन ने कहा, ये कल का ही अटैक का बात नहीं है, दो दिन से ये अटैक हो रहा है, लगातार हो रहा है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।